ओके तो सर मैं हिम्मत नहीं हारी लेकिन कितना रह गया कभी ऐसे हुआ कि आप किसी एक्सपेडिशन में गए हो और आपने कोई असरात देखे ह्यूमंस के फाइनली वी हैव रीच जुनिपर हाइट्स केव एंड दिस इज द रियल डिस्कवरी Assalamu alaikum and welcome to another episode of Discovery Ride with Zenith Irfan. जैसे कि आपको पता है Discovery Ride में हम हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं कभी हम लोग rock climbing के बारे में बात करते हैं mountaineers के बारे में बात करते हैं Sometimes we visit forts, museums and even introduce cultures and traditions of Pakistan to you all. आज का एपिसोड ऐसे ही बहुत ही यूनिक होने वाला है बिकॉज आई एम विद अ लेजेंड अ पर्सन हु एक्चुअली हैज इंट्रोड्यूस्ड केव एक्सप्लोरेशन रॉक क्लाइंबिंग इन पाकिस्तान somebody who I'm honored to be standing with sir hayatullah khan durrani sahib assalam alaikum wa assalam welcome to balochistan thank you so much sir to aaj ka kya plan hai hum aaj kya karenge aaj jaise aapke sath discuss hua hai abhi jayenge inshallah idhar ek cave hai अच्छा ये पाकिस्तान का सेकंड केव है जिसमें पानी है इसमें स्टेलिक्टाइट है स्टेलिगमाइट है हेलिक्टाइट्स है ये वो फॉर्मेशंस होते हैं जो केव्स की ब्यूटी को दोबाला करते हैं और अच्छा। ये कई हज़ार साल के तवील मुदत में ये बनते हैं फॉर्मेशंस एटी तकरीबन ईयर में पर सेकंड कुछ केव्स में होता है जो ये डेवलप होते हैं ठीक है तो फिर अब ये सारी बातें तो हम वहाँ जाके देखेंगे भी जो सर बता रहे हैं हमें तो सर लेट्स गो देन आज एंड आई एम एक्चुअली अगेन मोर लकी क्योंकि मैं आज सर की एक्सपेडिशन कार में ये पूरी हम प्रॉपर जर्नी करेंगे थोड़ा बाइक से भी मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगी एंड ये रीजन है ही बहुत खूबसूरत बिकॉज इट्स फिल्ड विद अ लॉट ऑफ रग्ड माउंटेन्स द जरगून हिल्स द सुलेमान रेंज एंड देयर आर मैनी अनएक्सप्लोर्ड एंड अनडिस्कवर्ड क्लेव्स जो सर ने खुद फिर डिस्कवर भी की सो इनकी भी जर्नी को हम देखेंगे सुनेंगे सो लेट्स गो एंड बिगिन दिस एक्सपेडिशन आपने 14 अगस्त 1984 को एक क्लब बनाया चिल्टन एसोसिएशन जी बिल्कुल एंड केव एक्सप्लोरेशन का आपने आगाज किया इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया लोगों को तो पता भी नहीं होगा नहीं, कि केव एक्सप्लोरेशन कुछ होता भी है वो नो? हमें बस वो कहते थे कि पागल लोग हैं क्या सारे दिन घरों में जाते तो ये मतलब कि एक ऑफ कोर्स एक बहुत यूनिक चीज़ है अलग है तो ये आपको हमेशा से एक लगाव था कि मैं केव एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ये ख्वाब था आपका ये कहाँ से इसका शुरुआत कैसे हुई थी मेरे पैशन की आपके इस असल में बात ये है कि जो केव्स है यानी गार इसके हमारे दीन में बहुत बड़ा अहमियत है हाँ जी क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और गार सूर और गार हिरा ये दो केव अब मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं बेशक इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये केव देख लूँ ये किस तरह होते हैं तो उस वक्त से फिर ये ख्वाहिश जो है वो हमारी हकीकत में बदल गई मैंने केव एक्सप्लोरेशन शुरू किया और इस सिलसिले में मैं ब्रिटिश केवर्स जो है उनका बहुत मशहूर हूँ खासतौर साइमन जेम्स ब्रुक्स मेरे उस्ताद ही समझ लो उसने मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निक्स बताई केव एक्सप्लोरेशन में केव एक्सप्लोरेशन केव मैपिंग केव सर्वेइंग केव फोटोग्राफी ये तमाम वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन जाके मैंने ये इसमें क्वालिफाई किया बाकायदा जी मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने ये तमाम जो केविंग के वो है
उसमें एक्सपर्टीज है, इसमें मैंने क्वालिफाई किया है ग्रेट ब्रिटेन से, हमारा ये काम है। जब आपने स्टार्ट किया केव एक्सप्लोरेशन, लोग तो बहुत कहते होंगे कि क्या है ये, मतलब क्या ये केव भी एक्सप्लोर होते हैं जैसे कि जी बाइकर्स होते हैं, जैसे हम बाइक में मोटरसाइकिल टूर्स करते हैं, तो वो भी एक वक्त में यूनिक चीज़ थी, मतलब लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत कम था कि आप बाइक में भी घूम सकते हैं। तो वैसे ही यू नो आई थिंक हर ये जो पैशन है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आपने इतना यू नो पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस की कि आई फील कि बलूचिस्तान बहुत ब्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ केव्स, जो हमें नज़र भी आ रहे हैं यहाँ पे रग लैंडस्केप है। तो थोड़ा सा मुझे लैंडस्केप के बारे में बताएं कि हर पहाड़ बहुत डिफरेंट है टोपोग्राफी में। बहुत ही खूबसूरत वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का एक सूबा है, यहाँ पे आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, समंदर भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेंगे, गर्म से गर्म तरीन इलाका मिलेगा, सर्द से सर्द तरीन इलाका मिलेगा। ये भी देखा है। और यहाँ पे बहुत सारे कोल भी है, बहुत मिनरल रिसोर्सेस भी हैं, वो बिल्कुल काफी ज्यादा डिपॉजिट्स हैं। यहाँ पे कोल है, हमारे बलूचिस्तान में कोल है, गोल्ड है, क्रोमाइट है, जिंक है, क्या नहीं, सब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से। बल्कि यहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी जो मेरी पसंदीदा जगह है जुनेपर के जंगलात, वो भी है। यस, एंड अभी भी मैं देख रही हूँ कि जो पहाड़ है वो बार बार, मतलब लैंडस्केप कांस्टेंट नहीं रहता इधर। आप कभी देखते हैं कि तो मैंने फर्स्ट टाइम इस इलाके में आके देखा कि रिवर भी था, बिकॉज ऑफ कोर्स ये ड्राई एरिया है। एंड बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सारे केव्स हैं जो डिफरेंट यू नो उनकी टोपोग्राफी है, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड ऐसे ही जो सर हैं आज हमें एक केव की तरफ लेके जा रहे हैं, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन इन हिज कार ओवर हियर डूइंग दिस एक्सपेडिशन। वी विल गो एंड आई थिंक हम थोड़ी देर तक पहुँचेंगे एंड वहाँ जाकर केव को एक्सप्लोर करेंगे। एक केव है जो हमने काफ़ी अर्सा पहले एक्सप्लोर किया था और इंशाल्लाह अभी हम आपको उसको दिखाने ले जाएंगे, आप भी देख ले, आप भी इसको डिस्कवर कर ले अपने डिस्कवर चैनल के लिए। आई विल इंशाल्लाह तआला। रेडी हो रहे हैं, एज यू कैन सी मेरे पास रोप्स है, मेरा मिनी बैग है क्योंकि एज कम्पेयर टू देयर ह्यूज बैग। और हम प्रिपेयर हो रहे हैं, सर ने मुझे ये स्टिक भी दी है ताकि मैं पूरा कर सकूँ। एंड एज यू कैन सी द एक्सपेडिशन गेटिंग रेडी अंडर द लीडरशिप ऑफ हयातुल्लाह खान दुरानी साहब, हु इज द पायनियर ऑफ केव एक्सप्लोरेशन। ट्रस्ट मी गाइस, ये एक पहली दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पहले होते हैं, बट केव एक्सप्लोरेशन एक ऐसी चीज़ है कि मैंने सुना तो था, कम सुना था, ज़्यादा नहीं सुनती थी मैं, तो इसलिए दिस इज माई बाइक एज यू कैन सी। ऑफ कोर्स बाइक, आपके बाइक को अपनी छुट्टी दी। यस, छुट्टी दी हुई है हमें। ओके, लेट्स गो। कितना रह गया? बस चले, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, फिक्र नहीं करें। पहुंच जाऊंगी मैं? हां हां बिल्कुल। ओके, लेट्स गो। ये स्टेमिना है और स्प्रिट है। यस, वी हैव टू एक्सप्लोर, हमें हिम्मत नहीं हारनी। ओ वाओ, ये कितना प्यारा है।
बहुत इंजॉय कर रही हूँ ऑनेस्टली। वो पाकिस्तान को बहुत एक्सप्लोर किया लेकिन इस जैसी सीनरी सिर्फ बलोचिस्तान में मिलेगी। एंड उस तक एक्सेस करने के लिए आपको हाइक करना पड़ता है बड़े ही मुश्किल रास्तों से। बीच में इंसान गिरता भी है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। यस हमने रिवर क्रॉस किए एंड फाइनली हमारी क्लाइम स्टार्ट हो चुकी है। ओह माय गॉड ये कैसे कर रहे हैं सर। ओके मैं सर को फॉलो कर रही हूँ जहाँ जहाँ से वो हमें लेके जा रहे हैं। वहाँ से हम गुजरते हुए स्क्वीजिंग फ्रॉम द माउंटेंस ऑफ द जरगून हिल्स एंड दीज हिल्स आर एक्चुअली यू कैन से अ चाइल्ड ऑफ द सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज के बारे में एक कहावत है कि हज़रत सुलेमान उसके ऊपर उन्होंने क्लाइम किया था साउथ ईस्ट एशिया को देखने के लिए यहाँ पर। एंड वहाँ से उन्होंने क्लाइम करके देखा तो बहुत अंधेरा था तो फिर वो वहाँ से वापस मुड़ गए थे। एंड इस चीज़ का नाम फिर सुलेमान रेंज। ये सीन था कि मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। पर थोड़ा सा पिट स्टॉप ले रहे हैं एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज़ कि सर की टीम इतनी प्रोफेशनल है कि उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा इंतज़ाम किया हुआ है। मिनी पिकनिक का सेब भी है, रिफ्रेशमेंट्स भी है एंड दैट इज़ समथिंग। चाय भी है, कॉफी भी है। अच्छा चाय भी है। और मैं चाय की इतनी बड़ी शौकीन हूँ। चाय की जैसे तो हम बाइक पर यू नो आगे जाते रहते हैं। मैंने कहा जब केव पे जाएंगे वापस आएंगे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। हाँ मतलब थोड़ा सा हम लोग चाय के थ्री ब्रेक लेंगे। एंड सर मैं ये पूरा ट्रैक जो हम करके आ रहे थे तो मैं देख रही थी आपका जो स्टेमिना है ना। अच्छा बहुत अच्छा मतलब बिल्कुल आपके ना यंग ब्लड फुल आप एंथुजियास्टिक है एनर्जेटिक है। सारी उम्र पहाड़ों में गुजर गई तो इसलिए मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे है अबू बकर ये फिट है। हमारे जो चिंतन एडवेंचर्स के और मेंबर्स है ये फिट है। ये तो आज कन्विंस की वजह से मैं कम हमारे जो माउंटेनियर और एक्सप्लोरर है उनको लाया हूँ। हमारी बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह। यानी कि इस वक्त मैं अचीवर्स के साथ मौजूद हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ वाटर स्पोर्ट्स रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग में उनका नाम रोशन किया। स्पेसिफिक केव एक्सप्लोरेशन। मिनी से ब्रेक लेते हैं एंड देन मैं आपको मिलूंगी केव में इंशाल्लाह। Juniper Heights Cave and this is the real discovery.
ये मैडम आप देख रही हो, ये इस वक्त पाकिस्तान का तीसरा केव है जिसमें पानी है। अच्छा। और इस केव की सबसे बड़ी खूबसूरती ये तीन तालाब है, ये देख रहे हैं, एक दो, ये तीन छोटे छोटे तालाब है। इसमें दो किस्म के वो बनते हैं फॉर्मेशन, एक जो पानी ऊपर से गिरता है वो भी फॉर्मेशन क्रिएट करता है, और फिर जो पानी जिधर गिरता है जिस तरह ये इस पे गिरा है, ये फिर नीचे से डेवलप होता है। अच्छा। हाँ। एंड ये, अच्छा, तो ये जो ऊपर से वाला होता है वो, ये दुनिया में जो केव एक्सप्लोरर है इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि स्टेलिंग टाइट कौन सा है, स्टेलिंग माइट कौन सा है, और हेलिक टाइट कौन सा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टेलिक टाइट है वो जो ऊपर से पानी जो ऐसे आ रहा है फॉर्मेशन, वो स्टेलिक टाइट है, और जो जमीन से उपरता है वो स्टेलिक माइट है। अच्छा। और इसके बाद जो ये दूसरे फॉर्मेशन है वो हेलिक उसमें आते हैं। ठीक है, ये इसका स्पेलियोलॉजिकल डेफिनेशन है। अच्छा। और हम जो केवल्स हैं खसूसन, हम इसकी वजह से केव्स में जाते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत है। देखो आप बिल्कुल जैसे आप के बर्फ है, और उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बर्फ के वो फूल है, बिल्कुल सारे ये बने हुए हैं ना। हाँ। तो ये केव्स की ब्यूटी, ये फॉर्मेशंस होती है। मुझे ये बताएं, जब हम केव्स की बात करते हैं, हम पढ़ते भी हैं हिस्टोरिक बुक्स में कि इनमें कुछ सिविलाइजेशंस रहती थी जी, काफ़ी हद तक लोग केव्स के अंदर रिहाइश रहते थे, रिहाइश थी ना उनकी। केवमैन आज तक मशहूर है। हाँ, केवमैन। तो आपने कभी ऐसे हुआ कि आप किसी एक्सपेडिशन में गए हो और आपने कोई असरात देखे ह्यूमंस के, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन, या कभी कुछ होता है ना, कोई इंस्क्राइब हुआ हो, कोई लैंग्वेज आपने कुछ डिस्कवर की हो? ये बोलान में एक जगह है, बल्कि उधर कुछ केव्स में हमें वो मिले थे, ख़ासकर एक इलाका है जब आप टूवर्ड्स कराची जाते हैं, मंगोचर एक इलाका है, ठीक है, कलात से इस तरफ कोयटा की तरफ मंगोचर में कुछ केव हमने एक्सप्लोर किए थे, उसमें ये लिकाई हमें मिले थे जो इंसानों ने मतलब वहाँ पे लिकाई की थी। अच्छा। और एक केव जो है मुसखेल में है, मुसखेल से साइड पे वहाँ पे जो है, जिसमें जो है ये लिकाई के असरात वगैरह ये है, हाँ, ये उस वक्त के सिविलाइजेशन की वो करते कि वहाँ पे कुछ लोग रहते थे। जो लोग इस केव को देखने आए, बराए मेहरबानी वो हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि केविंग हर शख्स की बस की बात नहीं है ना। ये फॉर्मेशन इस केव्स की खूबसूरती है। इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, इसको तोड़ा नहीं जाए, आए इसको देख ले, एंजॉय करे, हमारी आइंदा नस्लों के लिए इसको छोड़े, प्रॉपर रूट के थ्रू आए, ताकि बिल्कुल हमारे थ्रू आए। हम एक्सपर्ट है, मेरे 36-37 साल हो गए केविंग एडवेंचर स्पोर्ट्स में, 144 केव मैंने एक्सप्लोर किए हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो खूबसूरती है, जैसे आज आपने एंजॉय किया, डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने एंजॉय किया, और भी लोग इसको एंजॉय करें। हम क्यों इसको ख़राब करें? इसको ख़राब नहीं करना चाहिए, इसको संभालना चाहिए, इसको प्रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि ये वतन अजीज पाकिस्तान का जो हमारा नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, इसको संभालना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको तहफ़ देना चाहिए, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। जो भी केव लवर है, टूरिस्ट है, वो आए इसको देखे, इंजॉय करें। जब इसको आप लोग चेड़ेंगे, ख़राब करेंगे, जब दूसरे लोग आएंगे उनको तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जो ये ब्यूटी है ना, ये आप देख रही हो, बहुत खूबसूरत है। अगर ये खत्म हो जाए, इसमें क्या अट्रैक्शन, इसमें क्या अट्रैक्शन हो, कुछ डेफिनेटली वी हैव टू प्रोटेक्ट। तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान चैनल के थ्रू ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी नेचर लवर्स है, टूरिज्म, जो भी नेचर लवर्स है, वो कभी भी इसको डिस्टर्ब करेंगे। एंड एक वो सही कह रहे हैं कि बेसिकली क्योंकि सर ने इतने साल केव एक्सप्लोर किया, ही वॉज द पायनियर, he was the first mover in terms of this type of exploration and adventure. unko zyada ilm hai ki kaun se natural resources yahan hote hain aur kin
केव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इट्स ट्रू कि आपको हमेशा, जैसे मैं भी और मेरी टीम ने आपको कॉन्टैक्ट किया क्योंकि एंड आप हमें रास्ते से भी, जिस रास्ते से लेकर आए हैं वो आपने ऑफकोर्स देखते हुए आवर एक्सपीरियंस, एंड रास्ता ऑफकोर्स मुश्किल था, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा इल्म होते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एंड वो उन्हें कदर होती है। एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान की जो मुझे भी इल्म नहीं था कि पाकिस्तान में केव्स भी हैं, खूबसूरत केव्स होते हैं, और जो अंडरवर्ल्ड है ना, द अंडरवर्ल्ड, वो भी एक अपनी दुनिया है, इट्स अनदर वर्ल्ड। इंग्लैंड से एक रिसारा भी करता है, वो कहते हैं कि ये जो है अंडरग्राउंड वर्ल्ड ना, वो कहते हैं कि जमीन के अंदर एक दुनिया है, एक इसके देखिए जिंदा है, दिस इज लाइफ। जबरदस्त हो गया, बहुत जबरदस्त सर, क्या क्या मतलब एक्सप्लोरेशन थी, क्या एडवेंचर था। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मेरा पहला केव एक्सपेडिशन था, वो भी मैं इतनी ऑनर्ड हूँ एक लेजेंड के साथ, एंड सर थैंक यू सो मच। एंड वाकई में मैं ये सोच रही थी अंदर जाकर कि ऐसे कितनी खूबसूरत केव्स होंगे, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हर किसी में जाऊँ। अभी आपको पता चले कि जो अंडरवर्ल्ड है वो भी खूबसूरत है, अंडरवर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना। एंड अभी आपने जो बात की थी ना, यहाँ अंदर बैट्स भी होते हैं, मैं वो भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ एक दफा। हाँ, उसके लिए स्पेशल दूसरे केव्स है, हाँ, वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ जो बैट्स होते हैं उनको भी आई वांट टू एक्सपीरियंस, लाइक बट दिस वाज समथिंग दैट आई विल ऑलवेज रिमेम्बर। ये जो केव है ना, कुदरती गार जो है, हाँ, ये अपने फॉर्मेशन की वजह से बहुत ही यूनिक है। हाँ, अच्छा, ये पाकिस्तान में जितने हम लोगों ने 144 केव एक्सप्लोर किए हैं, दिस इज वन ऑफ देम जो खूबसूरत है। अच्छा, जो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, ये स्टेलिक्टाइट, स्टेलिग्माइट और एलिक्टाइट की वजह से जो फॉर्मेशन में लोग आते भी हैं बाहर से। हाँ, खसूसा इसमें जो ये चार छोटे और एक बड़ा तालाब है खूबसूरत जैसे बने हुए हैं, जो फॉर्मेशन है, जो आप जैसे बर्फ जैसे ग्लेशियर है। एंड अभी जैसे कि सर ने कि जो प्रॉपर टीम है चिल्टर एडवेंचर एसोसिएशन, दे आर प्रोफेशनल्स, एंड उन्होंने हमारे लिए रिफ्रेशमेंट्स का भी इंतजाम किया, जो इस कारण मुझे बहुत महसूस हो रहा है, आई एम एग्जॉस्टेड एंड थोड़ा सा, मुझे पता था, आपको पता था जब आप लोग थोड़ा तक जाएंगे आप डिस्कवर पाकिस्तान की टीम, फिर उसको हम चाय काफी पिलाएंगे, मुझे चाय की बहुत जरूरत है। वेलकम वेलकम, अभी हम चाय पीते हैं एंड मजीद थोड़ी गपशप करते हैं सर के साथ। With Mohammed Abu Bakr Durrani, he is the son of
Hayatullah Khan Durrani, and just like his father, he's into not only cave exploration but many other activities and sports. And ये बहुत, you know, हमारे expedition में बहुत एक addition हुआ है एक young blood का. Just like his father, he would explore कर रहे थे, enthusiastic थे, and expedition में you helped me so much. एक दो दफा मैं slip भी हुई हूँ, but Abu Bakr ने पकड़ लिया मुझे. तो Abu Bakr, what an expedition! तुम रोज करते हो? हाँ, बस जब मौका मिलता है बिल्कुल इस तरह की एक्सपेडिशन कभी मिस नहीं करते. अच्छा, मैं बहुत लकी हूँ यहाँ पे रहते हो, मतलब एक्सप्लोर कर रहे हो. तो मुझे बताओ, बचपन से देख रहे हो कि अब्बू को, यू नो, अब्बू एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मैंने भी करना है? क्योंकि अक्सर होता है ना कि बेटे कहते हैं नहीं मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, बट यू जस्ट लाइक योर फादर, उनके ही तुमने, यू नो, कदम चुने हैं और उनके कदम पर चल रहे हो. तो ये जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज हूँ अपने वालिद साहब से बचपन से. तो जिस तरह की एक्टिविटीज़ मेरे वालिद साहब करते थे, वाटर स्पोर्ट्स से के रिलेटेड हो या एडवेंचर स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, तो मैं बचपन से ही मैं अपने वालिद साहब के साथ सब जगह जाता था. तो उसी टाइम से ही सब चीज़ें देखता, मैंने शौक बढ़ता गया. मैंने कहा अभी मुझे भी करना है. तो इसी तरह बाबा फिर मुझे माउंटेन्स ले जाते थे. मैं 5 साल का था जब लुईस अर्नेकान में जब मैंने सर किया जी, फिर छोटे जी इतने याद है वो एक्सपेडिशन पहला पार्ट? थोड़े थोड़ा याद है. क्या याद है? मैं वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा कि मैं कितना छोटा हूँ उसमें. इतने छोटे से थे जी बिल्कुल. तो फिर केव एक्सप्लोरेशन इसी तरह, हाँ, मतलब आगे किया. उसी में मेरे वाले साहब मुझे ले जाते थे, फिर शौक पड़ा. फिर केव कनोइंग, उसमें मुझे काफी क्या कहते हैं शौक था. फिर मैंने 2007 में नेशनल चैंपियन बना पाकिस्तान का K1 200 मीटर रेस में, और ये टाइटल 10 इयर्स के लिए मेरे साथ है. वाओ, दैट इज अमेजिंग. मतलब प्राइड ऑफ पाकिस्तान अचीवर 10 consecutive years K1 200 मीटर रेस, और पाकिस्तान की को मैंने रिप्रेजेंट किया एशियन कनोइंग चैंपियनशिप इन ईरान एंड उज़्बेकिस्तान एंड इन इटली, इटालियन इंटरनेशनल कनो रेगाटा. और केविंग में मैंने यूके से केव मैपिंग, केव सर्वेइंग और केव फोटोग्राफी के कोर्स किए. अच्छा. और 2016 में, मतलब सिर्फ एक्सप्लोर पैशन की वजह से भी कर रही हो लेकिन सीखा भी है? सीखा भी है बिल्कुल, प्रॉपर तरीके से टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं. जिस चीज़ का शौक है ना आपको, आपको चाहिए कि मतलब उसको प्रॉपर उसको सीखे कि आप अंडरस्टैंड कर सके काफ़ी अच्छी तरह कि आप क्या कर क्या रहे, इसकी मीनिंग असली में क्या है. तो के फोटोग्राफी मुझे खुद काफी ज्यादा पसंद है. मैं देख भी रही थी, यू हैड अ कैमरा इन योर हैंड एंड बहुत खूबसूरत तस्वीरें खींच रहे थे. अंदर सब पता था कि ये एंगल से लूंगा तो ये तस्वीर आएगी. सो मुझे चिल्ड्रन एडवेंचर एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा बताओ कि लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, क्या यंग एक्सपेडिशन जाती हैं, फीमेल्स आती हैं फ्रॉम अक्रॉस, यू नो, द पाकिस्तान, उसके बारे में आप लोग कितनी दफ़ा जाते हैं एक्सपेडिशन में? चिल्ड्रन एडवेंचर में ज़ाहिर बात है 30+ ईयर्स हुए कि हमारे एक्सपेडिशंस होती है. 35 ईयर्स में कह देता हूँ, 30+ ईयर्स. तो उसी टाइम से नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं, फीमेल्स भी आ रही है. तो फीमेल्स की अभी आपने अभी बात की, तो आज तो हम लोग काफ़ी ज़रा जल्दी में आए. yes. तो पूरी टीम लेकर जाती है, टीम जाती है. टीम हर 14 अगस्त, हर 23 मार्च, हर 6 सितंबर, हर 25 दिसंबर कायदे आज़म की पैदाइश पर. मतलब आप लोग आते हो यानी पाकिस्तान, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में एक ना एक चोटी जरूर सर करते हैं पाकिस्तान के. एंड आपके वालिद साहब ने वो कल्चर भी, वो जो ट्रेडिशन था, बिल्कुल ये ट्रेडिशन मेरे वालिद साहब का था. एंड जस्ट लाइक हिज फादर, अबू बकर भी अब आगे जाकर बहुत कंटिन्यू करेगा इस लेगेसी को, एंड ही विल कंटिन्यू टू प्रमोट केव एक्सप्लोरेशन, रॉक क्लाइंबिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है. तो मेरा ख्याल अभी सूरज गुरूब हो रहा है तो आई थिंक वी शुड गो, इसके पहले हमें घूम जाएंगे. चलो नहीं घूमेंगे तो नहीं, तो चलते हैं खैर से. ओके, लेट्स गो. Thank you.
रिफ्रेशमेंट के बाद, एक छोटी सी चाय की ब्रेक के बाद, फाइनली मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ गई है कि मैं खार तक तो जा सकूँ आपकी। एंड सर थैंक यू सो मच, इतना एडवेंचरस आज हमारा एक्सपेडिशन था, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल था। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर आपके वक्त के लिए, आपने, क्योंकि आप, मुझे पता है बहुत बिजी हैं, आपने स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए और मेरी टीम को आपने प्रॉपरली गाइड किया। यू नो आपको पता है कि हम लोग थोड़े से बिगिनर्स हैं, तो फिर थोड़ी सी अब शायद आज के बाद ये मेरे अंदर ना थोड़ा सा आ गया है फीलिंग के अब मैं और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ केव्स को। तो सर मैं आप एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ यू नो द इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको जुनिपर डिफेंडर भी कहा जाता है, आप ज़ियारत और बलूचिस्तान के एडजस्टेंट रीजन्स में यू नो काफ़ी जुनिपर के जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व कर रहे होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से आप यू नो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो ऐसा कोई मसला नहीं, आप लोग आए, यू आर वेलकम। हम बलूचिस्तान वाले वैसे भी मेहमानों को हमेशा खुश आमदीद कहते हैं जी। आप हमारी मेहमान थी, आपकी पूरी टीम हमारी मेहमान है, तो ये हमारा फ़र्ज बनता है आप लोगों के लिए, जो हमसे हो सका हमने किया। नहीं बहुत किया आपने। और दूसरी बात इन्वायरमेंट के हवाले से, चीन के मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ और मेरी ख्वाहिश है, जो कि मेरी पसंदीदा जंगल है, हाँ, जो जुनिपर के फॉरेस्ट, हाँ, जो कि जरगुन में है, जो कि ज़ियारत चौथेर, हाँ, में है, इसके अलावा ये कलात साइड आरबोई में भी है, और इसके अलावा तकतू, चिल्तन, मुर्दार, इधर भी एक वक्त पाए जाते थे, अभी भी मुर्दार इसमें तकतू में है, जिस भी जगह ये लोग जाते हैं जो टूरिस्ट पॉइंट्स है वहाँ पर जो है पोल्यूशन नहीं करें, नंबर एक सफाई का खास ख्याल रखें, और ख़ुसूसन बलूचिस्तान में जो ये जुनिपर फॉरेस्ट है ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, और ये जो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 3000 साल पुरानी है, कुछ कहते हैं कि ये 5000 साल है, तो न 3 न 5 कम से कम 4000 साल तो पुरानी है। तो हमें इसको तहफ़ देने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए, इसको सलामत रखने के लिए मज़ीद इकदाम हमें करने पड़ेंगे, और जो लोग इस दरख्तों को काटते हैं उसको हमें मना करना चाहिए, उनको नहीं काटना चाहिए, और वहाँ पे जो लोग जाते हैं, जिस तरह ये कोई जरून यहाँ पे जो शाबान कैंप पे लोग आते हैं, कचरे की बोतलें चीज़ें, पता कि नहीं कचरा ना फेंके, ये पोल्यूशन ये नहीं करे, साथ आप एक शॉपिंग बैग रख लें, उसमें यू नो जब जहाँ पर भी, जैसे अभी भी हमने जब चाय की ब्रेक ली थी तो वी मेड श्योर कि हमने कोई लिटर नहीं किया। बट सर थैंक यू अगेन एंड नाउ वी गोइंग टूवर्ड्स द कार, सनसेट भी होने वाला है तो हमें थोड़ी जल्दी है ताकि हम जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ। तो थैंक यू सो मच सर एंड आई होप दैट यू लाइक टुडेज शो, क्योंकि आज के शो में वी हैव द वन एंड ओनली हयातुल्ला खान दुर्रानी साहब, द ओनली केव एक्सप्लोरर ऑफ पाकिस्तान, एंड मे बी मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूँ एक केव के अंदर, यू नेवर नो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।